कश्मीर के शोपियां में जिन आतंकियों ने हमला किया था वो बुरहान वानी के साथ ही हो सकते थे। सेना को लश्कर के 5 आतंकियों की तलाश है जिन पर शोपियां में हमला करने का शक है। ये 5 लश्कर के लोकल मॉड्यूल वाले आतंकी बताए गए हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर के बाद से सेना बेहद सतर्क है। घात लगाकर सेना पर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश जारी है। इस हमले के बाद सेना और पुलिस ने शोपियां के सीमावर्ती इलाकों में तलाशी अभियान चलाया है। आतंकियों के हमले की सारी रिपोर्ट पर आर्मी चीफ की नजर है। कश्मीर के शोपियां में 23 फरवरी को आतंकियों ने सेना पर हमला किया। सेना के गश्ती दल पर हमले में सेना के 3 जवान शहीद हो गए थे। आतंकी हमले में एक स्थानीय महिला की भी मौत हो गई। एनकाउंटर के बाद आर्मी चीफ श्रीनगर पहुंचे, 24 फरवरी को शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जनरल बिपिन रावत ने सुरक्षा का जायजा लिया। आर्मी चीफ ने आतंकियों और उन्हें शरण देने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। शोपिया में आतंकी हमले के पीछे लश्कर का हाथ माना जा रहा है। सेना को खबर मिली है कि इस हमले के पीछे लश्कर का लोकल मॉड्यूल है। शोपिया में हुए आतंकी हमले में लश्कर के 5 आतंकियों पर शक है। सेना के मुताबिक शोपिया का तारिक अहमद भट्ट, कमांडर जीनतुल इस्लाम, पुलवामा का आबिद मंजूर, शोपिया के आसिफ अहमद और शौकत पीर की तलाश जारी है। सेना को शक है कि लश्कर ए तैयबा के इन्हीं 5 आतंकियों ने शोपिया में हमला किया है। लश्कर कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद कई दिनों तक कश्मीर की सड़कों पर हंगामा हुआ, मगर पिछले काफी दिनों से घाटी में आतंकियों के हौसले पस्त थे। हालांकि एक बार फिर आतंकी हमले तेज हो गए हैं, लेकिन सेना को भरोसा है कि यूं ही कश्मीरियों का साथ मिलेगा तो घाटी से बुरहान वानी प्रेमी गैंग का खात्मा बहुत जल्द हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।